डियर स्टूडेंट्स इस मॉड्यूल में हम फाइलम मुलस्का की रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे मुलस्का हम कह सकते हैं कि वो एनिमल हैं जो कि फ्रेश वाटर मेरीन और लैंड एनवायरनमेंट में रहेंगे जो मैरीन स्नेल्स हैं वो डायोशियस हैं डायोशियस का मतलब है मेल और फीमेल स्पीशीज जो हैं वो अलग अलग होंगी गोनेड्स जो हैं दे यूजुअली लाई इन दायरल्स ऑफ द विजरल मास और गोनेड् से डक्ट्स सराइज होंगी ये डक्ट्स जो हैं जो गैमिट्स प्रोड्यूस होंगे इनको आउटसाइड द बॉडी ले जाएंगी विद द करंट ऑफ वाटर और वहाँ पे जो प्रोसेस होगी फर्टिलाइजेशन का दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अ फर्टिलाइजेशन वो फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी कुछ ऐसे स्नेल्स भी हैं जो कि मोनीशियस होंगे मोनीशियस का मतलब है एक ही स्पीशीज़ के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स मौजूद है अब जब उनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा उसको हम कहते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन और जो मेल और फीमेल की यूनियन के लिए कपुलेशन का प्रोसेस होगा उसमें यह है कि नॉर्मली स्पर्म्स ऑफ वन स्पीशीज या वन एनिमल दे आर ट्रांसफर टू द दे आर नॉर्मली ट्रांसफर्ड और ये वन स्नेल मे एक्ट एज मेल एंड द अदर स्नेल दैट मे एक्ट एज अ फीमेल और इसमें बॉडी वाल उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो हैं उसके साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड मौजूद हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है दैट इज़ अ ग्लैंडुलर टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ये म्यूकस सिक्रीट करेंगे अप्रोडक्टिव जैली और अ कैप्सूल अराउंड द फर्टिलाइज एग कुछ मोनेशियस स्नेल्स जो हैं उनको हम प्रोटेंड्रिक भी कह देंगे प्रोटेंड्रिक का मतलब है कि इनके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर टेस्टिस जो हैं दे डेवलप अर्लियर एज कंपेयर टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो कि ओवरीज है एग्स जो हैं दे आर नॉर्मली शेड आइदर सिंगली और इन द फॉर्म ऑफ ए क्लस्टर फॉर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और जो इंटरनली फर्टिलाइज एग्स हैं दे आर नॉर्मली डिपॉजिटेड इन अ जेलिटीनियस लेयर। अब ये एग्स जो हैं दे आर आल्सो हैविंग ऑफ न्यूट्रीशन इनसाइड दैम जिसको हम कहेंगे यॉक अब ये यॉक जो है टेरिस्ट्रियल स्नेल्स की दैट इज नॉर्मली डिपॉजिटेड इन मॉइस्ट इन्वायरमेंट सच एज फॉरेस्ट फ्लोर लीफ लेटर और एक कलकेरियस शेल जो है दैट इज़ आल्सो हैविंग एनकेप्सुलेटेड फॉर्म्स अब जो मेरीन गैस्ट्रोपोड्स हैं इनके अंदर जब डेवलपमेंट का प्रोसेस होगा तो जो क्लीवेज होगी क्लीवेज इज नॉर्मली सेड टू बी स्पाइरल क्लीवेज क्लीवेज के बाद अगला जो लार्वा बनेगा उसको हम कहते हैं ट्रोकोफोर लार्वा। ट्रोकोफोर लार्वा विल देन डेवलप इनटू अनदर लार्वल स्टेज जिसको हम कहेंगे वैलीगर लार्वा तो मुलस्का के अंदर दो लार्वे जो हैं डेवलपमेंट में दे आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट वन इज ट्रोकोफोर लार्वा एंड अदर इज़ वेलीगर लार्वा समाइम्स ट्रोकोफोर लार्वा जो है वो सप्रेस हो जाएगा और वेलीगर लार्वा जो है ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा वेल डेवलप हो जाएगा उस कंडीशन में उसको हम प्राइमरी लार्वा भी कह देंगे फिर इसके अंदर टॉर्शन होगी टॉर्शन नॉर्मली वेलीगर लार्वल स्टेज के अंदर प्लेस होगी उसके बाद दिस लार्वा विल सेटल इट सेल्फ मेटामोसिस होगी मेटामॉर्फोसिस के बाद इसमें अडल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी दिस डायग्राम कैन गिव अस अ गुड डिपिक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन गैस्ट्रोपोड्स यहाँ पे आप ये देखें इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेस्ट डिफरेंस ओविडक्ट्स दे प्रोड्यूस गैमिट्स गैमिट्स आर डिस्चार्ज आउटसाइड द बॉडी आउटसाइड द बॉडी फिर इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगी जिसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बाद जयगोट बनेगा जयगोट विल अंडर गो रिपीटेड सेल डिविजन्स और वह रिपीटेड सेल डिविज को हम कहेंगे क्लीवेज क्लीवेज जो है वह इसके अंदर स्पायरल क्लीवेज है क्लीवेज के रिजल्ट से बनेंगे लारवा लारवा इज़ प्रोकोफोर लारवा दिस विल सेटल इट सेल्फ और सेटल होने के बाद दिस के अंदर मेटामोरफोसिस होगी मेटामोरफोसिस क्या होगा कि कुछ इसके अंदर लार्वल स्ट्रक्चर डिजनरेट हो जाएंगे और कुछ जो है दे विल बी कन्वर्टेड इनटू एन अडल्ट गेस्ट्रोपोल